नाउ एक बार आप लोग बता दीजिए कि आवाज आ रही है या नहीं। आवाज आ रही है या नहीं आप एक बार हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम था, आवाज नहीं आ रही थी। आवाज आ रही है नहीं? आई होप आवाज आ रही होगी। रिप्लाई करें, आवाज आ रही है नहीं? ओके, ठीक है, तो आवाज़ आ रही है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, द टॉर्क वेट रेशियो विल बी लिस्ट इन इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो किस इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क बाय वेट रेशियो सबसे कम होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास डायनोमोमीटर, मूविंग आयरन, मूविंग कॉयल, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट। देखिए, टॉर्क बाय वेट रेशियो जो है वो सेंसिटिविटी भी दिखाता है। ठीक है ना, तो टॉर्क बाय वेट रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग सेंसिटिविटी भी देख सकते हैं। तो जिसका टॉर्क बाय वेट रेशियो जिस इंस्ट्रूमेंट का हाई होगा उसकी सेंसिटिविटी भी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। मेगर इज ऑपरेटेड बाय, फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरनल बैटरी, सेकंड ऑप्शन इज एन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, एंड थर्ड ऑप्शन इज एन इंटरनल हैंड ड्रिवन जनरेटर, फोर्थ ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। ओके, तो इसमें जो आंसर होने वाला है वो हमारा होने वाला है एन इंटरनल हैंड ड्रिवन जनरेटर। 160 आरपीएम के आसपास हम लोग मेगर के जो हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है उसका हम लोग स्पीड रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थ्री का बोला जा रहा है, ए स्प्रिंग कंट्रोल्ड मूविंग आयरन वोल्ट मीटर ड्रॉज अ करेंट ऑफ 1 mA फॉर फुल स्केल वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट। इफ इट ड्रॉज अ करेंट ऑफ 0.5 mA द मीटर रीडिंग इज। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही देता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो फुल स्केल वैल्यू वो 1 mA है। ठीक है ना, अगर वो 0.5 mA अगर करंट ड्रॉ कर रहा है तो उसकी स्केल की रीडिंग, उसकी रीडिंग क्या होगी। ठीक है, तो ऑनलाइन है धनुप मेनन और प्रभात प्रियदर्शी, और भी लोगों के साथ शेयर करिए आप लोग। कल से हम कोशिश करेंगे कि 10 बजे के आसपास लाइव आएँ डेली, कम से कम 1 घंटा आपको टाइम दें हम। ठीक है, तो जितने लोग भी अभी लाइव हैं, फिलहाल 2 लोग लाइव हैं, प्रभात प्रियदर्शी और धनुप मेनन जी, आप लोग शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने लोग भी आ सकते हैं। और साथ साथ में आप आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हमें पता है जो डिफ्लेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर का होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। और यहाँ पर करंट जो है फुल स्केल करंट है 1 mA। फुल स्केल करंट यानी कि जब 1 A होगा ना, तो ये जो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूँ ये MI का इंस्ट्रूमेंट है, ये 0 पॉइंट है और ये 100 है। ठीक है ना, तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, यानी कि पूरा पॉइंटर जो है वो 0 से उठ के 100 तक जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फुल स्केल वैल्यू या फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया, हम लोग ये बोल सकते हैं। बट अब करेंट अगर हाफ हो गया तो देखिए,
थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, अगर आप करंट हाफ करिएगा तो आई बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आई स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ ये थीटा डैश है, तो थीटा डैश जो है वो निकल के आ रहा है थीटा बाई फोर, चूंकि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर था, तो अब क्या निकल के आ रहा है थीटा बाई फोर, यानी कि जो रीडिंग है उसका पहले वाले रीडिंग का वन फोर्थ हो जाएगा, और पहले रीडिंग थी 100 वोल्ट, यानी अब हो जाएगा 25 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनर्जी मीटर, हाँ धनूप मेनन जी का आंसर सही है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एन एनर्जी मीटर हैविंग अ मीटर कांस्टेंट ऑफ 200 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर इज फाउंड टू मेक 5 रेवोल्यूशंस इन 75 सेकंड्स, द लोड पावर इज, तो हमें बताना है कि हमारा जो लोड पावर है वो क्या है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और एक चीज आप जान लीजिए कि आपके जो अगर मेजरमेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें वाट मीटर और एनर्जी मीटर इसके न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप लोग खुद से पहले ट्राई करिए क्या आंसर आता है इसका, हम लोग देखते हैं। तो लोड पावर आपको बताना है, इसमें गिवेन क्या है, यहाँ गिवेन है के की वैल्यू, मीटर कॉन्स्टेंट की वैल्यू गिवेन है 1200 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, और ये भी गिवन है कि 5 रेवोल्यूशन हो रहा है, और क्या गिवन है 5 रेवोल्यूशन, और गिवन है 75 सेकंड्स टाइम्स लग रहा है आपका। ठीक है, हमें पता है मीटर कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय एनर्जी कंज्यूम्ड, ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है। इस चीज़ का फॉर्मूला है मीटर कांस्टेंट का, और मीटर कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। ठीक है ना, तो देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ गिवन है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और के गिवन है, तो हम एनर्जी इजीली निकाल सकते हैं, तो एनर्जी जो हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1200 जो होगा वो हमारा एनर्जी कंज्यूम्ड होगा, और ये एनर्जी किस में आएगा किलोवाट आवर में एनर्जी आने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, बट हमें पता है कि हम एनर्जी को एक और तरीके से लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम, बट एनर्जी तो गिवन है, तो 5 बाई 1200 इज इक्वल टू, मैं पावर को किलोवाट में पहले ही मान लेता हूँ, और इस टाइम को जो टाइम जो हमारा 75 सेकंड दिया हुआ है इसको हम लोग अगर 3600 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा ये आवर बन जाएगा। देखिए किलोवाट आवर में चूंकि एनर्जी है इसलिए हमें भी जो एनर्जी निकालनी होगी उसमें टाइम की जगह पे आवर लेना पड़ेगा, सेकंड से काम नहीं चलेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो पी आएगा ये किलोवाट में आएगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो, 12 3 36 ओके, और 3 से 25 टाइम्स ये जाएगा, तो P इज इक्वल टू जो हमारा आने वाला है वो आने वाला है 5 डिवाइडेड बाय 25, यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 5, तो ये आया किलो वाट में, बट ऑप्शन में सारे आंसर वाट में दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 200 वाट। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा सही होने वाला है वो ऑप्शन 3 सही होने वाला है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा सी, ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, इन एन एमीटर 5% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर जी एंड एस रेस्पेक्टिवली, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग, देखिए पीएमएमसी का अगर आप हम लोग गैल्वेनोमीटर का अगर हम डायग्राम बनाएं तो मीटर मूवमेंट ये दिखा देंगे इस तरीके से, यहाँ पे एक सीरीज में रेसिस्टेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आरएम, बट यहाँ पे क्या बोला है इसको जी बोलना है तो जी बोल लेते हैं। ठीक है, शंट में जो रेसिस्टेंस लगाते हैं उसको हम लोग आरएसएस से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, बट इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये एस है तो इसको एस मान लेते हैं। यहाँ जो मीटर में जो करंट जाता है उसे हम लोग बोलते हैं आईएम,
शंट वाइंडिंग में जो करंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं, शंट रेसिस्टेंस में जो करंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ISH, और ये जो रिजल्टेंट करंट है जिसको आप मेजर कर रहे हैं ओवरऑल, ये क्या कहलाता है, I। तब बोला जा रहा है इन एन एमीटर 5% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द कैल्विनोमीटर, यानी कि मेन करंट का 5%, तो मेन करंट कौन है I, इसका 5% ही गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, यानी कि IM की वैल्यू दी हुई है, IM इज इक्वल टू 5% ऑफ I। तो 5% ऑफ I निकालेंगे, यानी 5/100 इंटू I, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये हो जाएगा I/20, यानी कि IM जो है वो I/20 है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं I/IM जो है ये है 20 के इक्वल, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। I/IM को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम लोग एक और तरह से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, M को हम लिख सकते हैं 1+RM/RSH, बट यहाँ पर RM क्या है, यहाँ पर RM है G और RSH है S, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20-1 इज इक्वल टू G/S, तो G/S इज इक्वल टू कितना आ रहा है 19, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, G/S इज इक्वल टू 19, यानी S इज इक्वल टू G/19, S इज इक्वल टू G/19, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा जा रहा है इन ए डायनोमोमीटर वाट मीटर द मूविंग क्वाइल इज, मूविंग क्वाइल किसको बोलते हैं, तो डायनोमोमीटर में जो मूविंग क्वाइल होता है वो पोटेंशियल क्वाइल होता है, और जो फिक्स्ड क्वाइल होता है वो क्या होता है, वो होता है करंट क्वाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मेजर एसी एज वेल एज डीसी पावर वी यूज इंडक्शन मीटर, नहीं नाम से पता चल रहा है इंडक्शन मीटर का मतलब है कि आपके पास एसी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इंडक्शन इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं मशीन्स वगैरह में भी, क्या होता है जब फ्लक्स चेंज करता है तभी इंडक्शन का इफेक्ट आता है, तो इंडक्शन मशीन के लिए, तो इंडक्शन के लिए तो आपको एसी चाहिए ही चाहिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि एसी में भी वर्क कर जाए और डीसी में वर्क कर जाए, तो हमारे लिए आंसर जो यहाँ होने वाला है वो होने वाला है डीसी ओममीटर, डायनोमोमीटर वाट मीटर, ठीक है ना, डायनेमोमीटर वाट मीटर जो होगा ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, जो एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के क्वांटिटी को ऐड करके फिर आपको को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारा जो मीटर होता है, ठीक है ना, जहाँ से हम जो हमारे घर में जो मीटर लगा हुआ है, जो बिल दिखा रहा है वो क्या है आपका, वो एक टाइप का इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आने वाला है एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर इज इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंट्रोलिंग टॉर्क इन ग्रेविटी कंट्रोल मीटर इज प्रोपोर्शनल टू, तो दो तरह के हमारे पास कंट्रोलिंग टॉर्क होते हैं, ठीक है ना, एक होता है आपका स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल्ड, तो स्प्रिंग कंट्रोल्ड में जो आपका टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा, बट ग्रेविटी कंट्रोल में जो टॉर्क होता है कंट्रोलिंग टॉर्क वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, तो यहाँ जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है ऑप्शन बी, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। टेक स्टडी पॉइंट आंसर दे रहे हैं आप, साथ साथ में तो क्वेश्चन नंबर बताते हुए आंसर दे जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम जब लाइव जाते हैं ना तो थोड़ा सा हम लोग पहले हम थोड़ा सा डिले दिखता है आपका कमेंट, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर के साथ अगर आप ऑप्शन दें तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं या रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन में पूछा जा रहा है स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस इज यूज्ड टू कंपनसेट एरर ड्यू टू, तो स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस जो है हम लोग यूज करते हैं टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो एरर होता है उसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसी ब्रिजेज इज प्रिफर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस हैविंग हाई क्वालिटी फैक्टर। तो देखिए ब्रिज जो है एसी ब्रिज है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में नहीं जाना है कि कैसे सॉल्व करते हैं, गेट वेट के क्वेश्चन नहीं लगाने हैं इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है ना। सिंपल सा सिर्फ प्रॉपर्टीज वगैरह आपको याद रखनी है, आपका काम चल जाएगा कि कौन सा हाई क्वालिटी फैक्टर को मेजर करता है, कौन लो क्वालिटी फैक्टर को मेजर करता है, ठीक है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो यहां पे पूछा जा रहा है आपसे प्रिफर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस हैविंग हाई क्वालिटी फैक्टर। तो हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए हेज ब्रिज यूज करते हैं, मीडियम क्वालिटी फैक्टर कॉइल के लिए मैक्सवेल ब्रिज यूज करते हैं, और विंस ब्रिज तो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, और डिसोथी ब्रिज हम लोग कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 8 टेक पॉइंट, आपका जो आंसर है 11 का जो आंसर है वो 11 का आंसर होना चाहिए। इंडक्टेंस मेजर करना है आपको, आप आंसर सी दे रहे हैं। डिसोथी ब्रिज जो होता है वो कैपेसिटेंस को मेजर करता है, ठीक है ना। अगर क्वालिटी फैक्टर को मेजर करना है और हाई क्वालिटी फैक्टर को मेजर करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या यूज करना होगा, हेज ब्रिज यूज करना होगा। इंडक्टेंस के क्वालिटी फैक्टर को यहाँ पे मेजर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इन डायनेमोमीटर वाट मीटर कंपनसेटिंग कॉइल। कंपनसेटिंग कॉइल क्या होता है, थोड़ा मैं इसका डायग्राम बना के आपको अच्छे से मैं समझाता हूँ कि कंपनसेटिंग कॉइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए हम लोग वाट मीटर पढ़ते हैं तो हमारा दो तरह का कनेक्शन होता है, एक होता है एमसी कनेक्शन और एक होता है एलसी कनेक्शन। तो हम लोग जो कंपनसेटिंग कॉइल यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं एलसी कनेक्शन में। किसमें यूज करते हैं, एलसी कनेक्शन में हम लोग कंपनसेटिंग कॉइल्स यूज करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एलसी कनेक्शन है। एमसी कनेक्शन होगा, अगर एमसी कनेक्शन होगा तो ये जो प्रेशर कॉइल वाला जो कनेक्शन है वो पहले ही सप्लाई की तरफ होगा, फिर उसके बाद करंट कॉइल आएगा। अभी क्या है, ये प्रेशर कॉइल लोड साइड की तरफ हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं एलसी कनेक्शन, ठीक है ना। तो ये आपका मेंस होता है, ये लोड होता है, ये कॉमन पॉइंट है। तो एल से लोड साइड से अगर सी कनेक्टर तो इसको हम लोग बोलते हैं एलसी कनेक्शन, ठीक है। तो एलसी कनेक्शन जो है यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो करंट आएगा करंट कॉइल में, ये करंट कॉइल है, करंट कॉइल में जो करंट आने वाला है वो लोड करंट भी है और प्रेशर कॉइल का करंट भी है, ठीक है ना। तो यहाँ जो फ्लक्स है वो ज्यादा फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट होता है, तो वो जो एक्स्ट्रा फ्लक्स इस ये वाला जो एक्स्ट्रा करंट करंट कॉइल में फ्लो कर रहा है, प्रेशर कॉइल का करंट जो करंट कॉइल में फ्लो कर रहा है उसके वजह से जो फ्लक्स आया उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी पर जो हमारा करंट कॉइल है इसी के ऊपर हम लोग अपोजिट ओरिएंटेशन के साथ एक वाइंडिंग करते हैं और उसको हम लोग रखते हैं सीरीज में। किसके साथ हम लोग रखते हैं सीरीज में, प्रेशर कॉइल के साथ। बट वाइंडिंग जो होती है वो कहाँ होती है, वो होता है करंट कॉइल के ऊपर। तो यहां से अगर हम लोग आंसर देखें तो आंसर जो हमारा आने वाला है वो क्या है, पहला ऑप्शन देखते हैं, हैज इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वोल्टेज कॉइल एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द करंट कॉइल। नो, इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स होगा बट किसके इक्वल होगा, करंट कॉइल के इक्वल होगा। तो ऑप्शन बी क्या है, हैज इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ करंट कॉइल एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज कॉइल। चूंकि करंट कंपनसेटिंग कॉइल में भी देखिए कंपनसेटिंग कॉइल का जो फ्लक्स है ना वो क्या होना चाहिए, वो फाई पीसी के अपोजिट होना चाहिए, ठीक है ना। फाई पीसी के अपोजिट होना चाहिए कंपनसेटिंग कॉइल का फ्लक्स। चूंकि हो क्या रहा है एक्चुअल में कि करंट कॉइल में प्रेशर कॉइल के करंट की वजह से जो एक्स्ट्रा फ्लक्स बन रहा है उसको हमें कैंसिल करना है कंपनसेटिंग कॉइल यूज करके। तो ऑब्वियस सी बात है किसकी वजह से फ्लक्स बन रहा है, करंट कॉइल की वजह से। तो करंट कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वही नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमारे पास कंपनसेटिंग कॉइल का होना चाहिए, तभी वो जो एक्स्ट्रा फ्लक्स जो बन रहा है उसे क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। और फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए तो करंट भी चाहिए, तो किस एक्स्ट्रा करंट की वजह से करंट कॉइल में एक्स्ट्रा फ्लक्स बन रहा है, प्रेशर कॉइल के करंट की वजह से। इसलिए कंपनसेटिंग कॉइल में प्रेशर कॉइल का करंट ही फ्लो करना चाहिए, यानी आईपीसी करंट फ्लो करना चाहिए, जिसके लिए हम लोग को कंपनसेटिंग कॉइल को सीरीज में रखना पड़ेगा वोल्टेज कॉइल के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज द हाईएस्ट टॉर्क बाय वेट रेशियो अमंग द गिवन इंस्ट्रूमेंट। तो हाईएस्ट टॉर्क बाय वेट रेशियो जो देता है वो होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीएमएमसी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि सेंसिटिविटी भी जो होगी वो पीएमएमसी की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, इन कैथोड रे ट्यूब द फोकसिंग एनोड इज लोकेटेड। तो आपको इसका डायग्राम देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं बना सकता भी डायग्राम, चूंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में और उसको एक्सप्लेन करने में। द फोकसिंग एनोड इज लोकेटेड, फोकसिंग एनोड कहाँ लोकेट होता है, तो बिटवीन प्री एक्सेलेटिंग एंड एक्सेलेटिंग एनोड के बीच में, बिटवीन प्री एक्सेलेटिंग एंड एक्सेलेटिंग एनोड में हम लोग क्या करते हैं, फोकसिंग एनोड को प्लेस करते हैं सीआरओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ही बहुत अच्छा हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फेजर डायग्राम दिया हुआ है, लोड वोल्टेज वी है, करंट इन प्रेशर कॉइल आईपी एंड करंट इन करंट कॉइल आईसी इज शोन इन द फिगर when an electrodynamic wattmeter is used to measure power, the reading of wattmeter will be। तो ये फेजर डायग्राम दिया हुआ है। देखिए, चूंकि यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोडाइनेमिक वाटमीटर, तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोडाइनेमिक वाटमीटर का जो बेसिक फार्मूला है वो डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई वन आई टू एंड एंगल बिटवीन आई वन एंड आई टू के, ठीक है ना, और dm by d थीटा हमारा आता है। चलिए, ये तो कांस्टेंट है या फिर जो भी है इससे मुझे अभी मतलब नहीं है, जब डिटेल में लोग पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे इसका क्या रोल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो ये phi है ना, ये phi होता है एंगल बिटवीन i1 एंड i2। अच्छा, हम phi सिंबल यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं आप इसको लोड पावर फैक्टर समझ लीजिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे जो phi है मैं बता देता हूँ, phi जो है वो एंगल बिटवीन i1 एंड I2 है, ठीक है ना। अब जब आप इसको एज ए वाट मीटर यूज करते हैं इलेक्ट्रोडाइनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स को, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि एक एक जो करंट होगा वो होगा IPC यानी कि प्रेशर कॉइल का करंट, और दूसरा करंट होगा ICC यानी कि करंट कॉइल का करंट, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल हमें देखना होता है। अब देखिए, तो अगर मैं इसको लिखूं, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपीसी लिखना होगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा वीपीसी बाय जेडपीसी, ठीक है ना। और आई टू को हम लोग लिख देते हैं आईसीसी यानी कि लोड करंट, और इनके बीच का कुछ क्या आएगा हमारे पास, एंगल आने वाला है, ठीक है ना। इनके बीच का कुछ एंगल आने वाला है जिसको हम लोग मान के चल रहे हैं फाई। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आईपी और आईसीसी के बीच का एंगल कितना है, साई है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीपीसी बाय जेडपीसी इनटू आईएल इनटू कॉस साई, ठीक है ना। बट अगर हम जेडपी की बात करें, चूंकि यहाँ पावर के बारे में पूछा जा रहा है, तो पावर में तो जेड आएगा नहीं, चूंकि वोल्टेज आएगा, करंट आएगा और पावर फैक्टर आएगा। तो जेडपी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं मान लेता हूँ कि चूंकि प्रेशर कॉइल को हम लोग हाईली रेसिस्टिव लेते हैं, क्या लेते हैं, हाईली रेसिस्टिव लेते हैं, तो ये प्रेशर कॉइल का रेसिस्टेंस है आरपी और ये प्रेशर कॉइल का रिएक्टेंस है एक्सपी। तो ऑब्वियस ये बात है, ये आएगा आपका जेडपी। तो जेडपी इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए जो पहले से पढ़ेंगे तो बहुत इजीली कर लेंगे, डायरेक्टली कर लेंगे, बट मैं थोड़ा डिटेल में कराता हूँ। जेड पी, ये मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल है, यहाँ पे डायग्राम में क्या एंगल दिया हुआ है, बीटा, तो मैं मान लेता हूँ ये है बीटा, ठीक है ना। ये इम्पिडेंस एंगल है किसका, प्रेशर कॉइल का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस बीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग लिख सकते हैं आर पी बाय जेड पी। तो यहाँ से हम लोग इजिली लिख सकते हैं कि जेड पी इज इक्वल टू हो जाएगा आर पी बाय कॉस ऑफ बीटा, आर पी बाय कॉस ऑफ बीटा। तो अगर इसको यहाँ पे हम पुट कर दें जेड पी की जगह पे, तो क्या आने वाला है, ये आने वाला है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी पी सी, और जेड पी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे आर पी, और यहाँ क्या आएगा कॉस बीटा, पहले से क्या था आई एल और क्या था कॉस साई। तो
आरपी को अगर हम लोग एज ए कांस्टेंट मान लें तो क्या मिलने वाला है हमारे पास, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीपीसी आईपीसी यानी कि आईएल इनटू कॉस बीटा इनटू कॉस साई, ये आने वाला है ठीक है ना। यानी कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉस बीटा और कॉस साई के। क्लियर है सर इतना? तो आपको ऑप्शन सी जो है वो सही होने वाला है ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था बी, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, जनरली जो हम लोग नोट्स वगैरह पढ़ते हैं ना तो उसमें क्या किया जाता है कि ये वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल वहां दे देते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बार डिटेल में आपको यहाँ पे समझाता हूँ, कन्फ्यूजिंग है ये, कन्फ्यूजिंग है नो डाउट। हम लोग जो डायग्राम पढ़ते हैं और इस डायग्राम में फर्क है, इसीलिए कन्फ्यूजन हो रहा है और कोई बात नहीं है, इसीलिए कन्फ्यूजन हो रहा है और कोई बात नहीं है। ठीक है, एक मिनट, हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं ना नोट्स में जब पढ़ते हैं तो इसको हम लोग मान लेते हैं फाई, इसको हम लोग मान लेते हैं फाई। ठीक है ना, चूंकि ये वोल्टेज है ठीक है और ये क्या है लोड करंट है, और यही क्या हो जाता है पावर फैक्टर एंगल हो जाता है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। और यहाँ पे आता था क्या, यहाँ आता था हमारा बीटा। ठीक है ना, जो यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग को तो मेन एंगल चाहिए किसके बीच का, आईपी और आईसी के बीच का। तो हम लोग ने ऐसे याद किया था फाई माइनस बीटा, कॉस फाई माइनस बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमने ऐसे याद किया हुआ था। बट यहाँ पे डायग्राम चेंज करके दिया हुआ है, आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान से देखें कि क्या पूछा जा रहा है आपसे और डायग्राम क्या दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने जो पढ़ा है नोट्स में उसी को आप यहाँ पे क्या कर दें, सॉल्व कर दें। ठीक है, तो हमेशा जो एंगल लेना होता है वो हमेशा दो जो क्वाइल्स हैं, एक प्रेशर क्वाइल है और एक करेंट क्वाइल है, उन दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है उनके बीच के एंगल को हमको कंसिडर करना पड़ता है किसमें, ईएमएमसी मीटर में। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ईएमएमसी का जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर होता है, चूंकि ये स्क्वायर लॉ रिस्पांस को फॉलो करता है। थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई वन और आई टू के, दो क्वान्टिटी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका स्केल नॉन लीनियर होता है। ठीक है ना, बट हम ईएमएमसी अगर वाट मीटर बना रहे हैं, यानी कि ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, उससे अगर आप वाट मीटर बना रहे हैं तो उसका स्केल जो है वो लीनियर हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग इसका डेरिवेशन वगैरह करेंगे हमें दिखेगा कि हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आने वाला है वो वी फेज इंटू आई एल इंटू कॉस फाई आता है जब हम लोग वाट मीटर यूज करते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा ये जो टर्म है वी फेज आई एल कॉस फाई, ये तो पूरा का पूरा खुद वाट मीटर है, ये खुद क्या है वाट में है, एक्टिव पावर है। तो डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एक्टिव पावर, यानी कि अगर ईएमएमसी से आप वाट मीटर बना रहे हैं तो वाट मीटर का स्केल जो होगा वो लीनियर होगा। बट कोई आपसे सिंपली पूछे कि ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स का जो स्केल होता है वो कैसा होता है, लीनियर या नॉन लीनियर, तो आपका आंसर होना चाहिए नॉन लीनियर। ठीक है ना, स्पेशली आपसे पूछा जाए कि वाट मीटर का स्केल कैसा होता है तो आपको बोलना है लीनियर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी कौन कौन लाइव हैं, राजन कुमार उन्होंने आंसर दिया है 14 का बी, धनुप मेनन उन्होंने आंसर दिया है 14 का बी, 15 का आंसर किसी ने नहीं दिया अभी तक। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। अ सीआरओ स्क्रीन हैज 10 डिवीजन ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल, कितना डिवीजन है सीआरओ स्क्रीन में, 10 डिवीजन है हॉरिजॉन्टल स्केल में। इफ ए वोल्टेज सिग्नल 5 sin 3 145 डिग्रीज एग्जामिन्ड विद अ लाइन बेस सेटिंग ऑफ 5 millisecond पर डिवीजन, द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ सिग्नल डिस्प्लेस ऑन द स्क्रीन विल बी। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ओवरऑल जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो कितना है, वो है टोटल हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो है वो टोटल है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है हर एक डिवीजन की वैल्यू है 5 millisecond, तो 10 डिवीजन का मतलब हुआ 50 millisecond का आपके पास स्केल है, यानी कि टोटल जो डिवीजन है सीआरओ जो डिस्प्ले कर सकता है वो 50 millisecond तक का ग्राफ बना के दिखा सकता है। अब हम देखते हैं कि कौन सा सिग्नल आपने अप्लाई किया हुआ है सीआरओ में, आपने अप्लाई किया है 5 sin 3 140, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ओमेगा की वैल्यू है 314, तो ओमेगा इज इक्वल टू है 314, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं 2πf इज इक्वल टू 314, यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो आएगा 50 हर्ट्स। तो हम लोग यहाँ से
चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं किसका, जो सिग्नल अप्लाई किया गया है 1/50, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 मिली सेकेंड। क्या आने वाला है? 20 मिली सेकेंड। तो 20 मिली सेकेंड जो है टाइम पीरियड है सिग्नल का। तो देखिए मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ, ये आपका एक वेव सिग्नल दिया गया है जिसका ये जो लेंथ है उसमें जो टाइम है, टाइम पीरियड जो है वो है 20 मिली सेकेंड, बट ओवरऑल ये जो बेस है वो कितना है, 50 मिली सेकेंड है। यानी कि ऐसा ऐसा दो साइकिल बनेगा तो वो टाइम ले लेगा कितना, 40 सेकेंड का, और एक और हाफ साइकिल बन सकता है, यानी कि ओवरऑल ढाई साइकिल बनेगा, 2.5 साइकिल बनेगा, 2.5 साइकिल बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही होने वाला है। राजन कुमार बोल रहे हैं सर सीआरओ का लिसाजस पैटर्न को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ राजन जी, ये हमारा टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो मैं इस बार एक मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप लोग का जो भी डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग कल से हम लोग डेली 10 या 10:30 तक हम लोग डेली लाइव आएंगे। आप लोग जो टॉपिक बोलिएगा मुझे पढ़ाने के लिए, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक को हम लोग पढ़ाएंगे, बट आज के लिए आप मुझे बस ये जो 50 क्वेश्चंस हैं मुझे वो एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। नेक्स्ट क्लास से यानी कल से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगेगा जिस सब्जेक्ट्स में भी, आप मुझे सजेस्ट जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसको आपके लिए लेकर आऊँगा कल से रात में 10 बजे, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप इज मोस्ट कॉमनली मेड फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा फेरिक ऑक्साइड, एकदम फैक्ट है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, आप याद रखिए सिंपली इसको, फेरिक ऑक्साइड आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो भाई बहुत ही सिंपल से फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि अपोजिट आर्म्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए अगर बैलेंस है तो। इस पूरे को अगर मैं बोल दूँ कि ये जो है ये Z4 है, ये पहले वाला Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है, तो हमें पता है Z1 Z4 मस्ट बी इक्वल टू Z2 Z3। बट इतना आसान नहीं है बैलेंसिंग करना, जो JEE के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो BTech के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने प्रैक्टिस न्यूमेरिकल बहुत अच्छा किया हुआ है या जिस एग्जाम में टाइम अच्छा खासा मिलता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल UPSC में आ जाए 3 घंटा है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट SSC JEE में अगर आप इस तरह क्वेश्चन में हाथ लगा दें, अगर आपने बैलेंसिंग किया, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है और आप बैलेंसिंग करके फिर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, चूँकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वान्टिटी आएगा, है कि नहीं। रियल नंबर्स नहीं आएंगे यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, A+JB के फॉर्म में आने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए SSC JEE वगैरह में जिसमें आपका टाइम ख़राब होने वाला है तो आप जल्दी से उस क्वेश्चन का स्किप करके दूसरा क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको करने हैं। कभी भी देखिए जानबूझ के SSC JEE के एग्जाम्स में जानबूझकर कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जो देखने में तो आसान हो बट कैलकुलेटिव हों, जैसे आपसे आपको सिंपली बोल देगा कि आप रेसिस्टेंस की वैल्यू बताइए और रेसिस्टिविटी दे दिया जाएगा आपको, लेंथ दे दिया जाएगा और एरिया दे दिया जाएगा, बट सारे की यूनिट्स और उनकी जो डेटा है वो ऐसी होगी कि आपका बैंड बच जाएगा उसको सॉल्व करने में और आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अपना टाइम बिल्कुल भी किल ना करें। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब भी आपको एक ही नंबर मिलने वाला है, और अगर आप एक रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब भी आपको एक नंबर ही मिलने वाला है। तो फिर भी चलिए मैं इसको कैसे हम लोग कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आई होप ये है आपका मैक्सवेल ब्रिज है ये। तो मैक्सवेल ब्रिज में देखिए दो का आप याद रखिए, मैक्सवेल ब्रिज, हेज ब्रिज का अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन याद रखिएगा या मैक्सवेल इंडक्टेंस का तो ज़्यादा बेटर है। बट इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है कि जो ऑप्शन देख रहा हूँ मैं ना, ऑप्शन से मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ अगर मुझे थोड़ा बहुत ही फॉर्मूला याद है तो। देखिए सारे ऑप्शन जो हैं वो अलग अलग हैं, 46, 20, 64, 46, 56, 30, 96, 40, और ये यहाँ पर बोला गया है LX और RX की वैल्यू बतानी है रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो बाद वाले वैल्यू है वो रेसिस्टेंस की वैल्यू है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, जिस तरह हम लोग प्योर
कोल्डली रेसिस्टिव सर्किट में बैलेंस करते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी बैलेंस कर देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Rx इंटू 40 इज इक्वल टू 40 इंटू 60, और जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आने वाला है, वन मिनट, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यूज जो हो जाएगी Rx इज इक्वल टू, आई होप मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इसमें, बैलेंसिंग अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप मैं फॉर्मूला भूल रहा हूँ इसका थोड़ा सा, अच्छा सॉरी मैंने 40 इसको ले लिया। रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, रेसिस्टेंस की वैल्यू है 60, तो Rx इंटू 60 इज इक्वल टू 40 इंटू 60। देखिए मैं यहाँ से Rx ले रहा हूँ और इस रेसिस्टेंस की वैल्यू ले रहा हूँ, ये 60 है, मैंने इसको ले लिया था सॉरी, ये 60 है, Rx इंटू 60 इज इक्वल टू दिस रेसिस्टेंस इंटू दिस रेसिस्टेंस, अपोजिट आर्म के रेसिस्टेंस को मैंने बैलेंस कर दिया, तो Rx इज इक्वल टू आ जाएगा 40 ओम, और एक ही ऑप्शन में क्या है 40 ओम है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अच्छे, नो डाउट आप चाहें तो Lx की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, C4 इंटू R2 इंटू R3 जो होता है वो Lx का फॉर्मूला होता है, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत ही दिक्कत होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, द रीडिंग ऑफ वाट मीटर एंड एम मीटर इज 1 kW इज 1 kW एंड 10 A रेस्पेक्टिवली इन द 3-phase सर्किट गिवन बिलो, वाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इफ द सर्किट इज बैलेंस्ड। अब देखिए अगर इसमें अगर आपने फॉर्मूला लगाया, अगर आपने रट्टा मारा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। अगर आपने ऐसा कुछ याद कर लिया हुआ है कि W1 इज इक्वल टू होता है VL IL cos ऑफ 30-5, W2 इज इक्वल टू होता है VL IL cos ऑफ 30+5, अगर ऐसा कुछ आपने याद किया हुआ है और चाहते हैं कि हम डायरेक्टली इससे इसको सॉल्व करते हैं तो ये नहीं बनने वाला है आपसे क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है एक ही वाट मीटर लगा हुआ है और ये जो प्रेशर कॉइल है वो लाइन टू न्यूट्रल यानी कि फेज में लगा हुआ है। ठीक है ना, कहाँ लगा हुआ है, फेज में लगा हुआ है, आर और न्यूट्रल के बीच में लगा हुआ है, यानी प्रेशर क्वाइल जो वोल्टेज मेजर कर रहा होगा वो होगा फेज वोल्टेज, और करंट क्वाइल में जो करंट जा रहा होगा वो होगा लाइन करंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस चीज़ को देखना कि लाइन करंट जो है, जो हमारा लाइन वोल्टेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200 volts, एंड फेज वोल्टेज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200/√3, हम लोग फाइंड कर सकते हैं 200/√3, एंड लाइन करंट जो है वो दिया हुआ है 10 A, लाइन करंट दिया हुआ है 10 A। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग पावर फैक्टर लिखें तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है, ये सॉरी एक्टिव पावर का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं VL के जगह पर क्या आएगा, V फेज आएगा, चूंकि यहाँ पे वाट मीटर जो है वो फेज रीड कर रहा है, और IL इंटू cos 5, और इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 1 kW, यानी कि 1000 W आपका वैल्यू दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें, हर चीज़ यहाँ पे गिवन है, तो हमारा आंसर आने वाला है 0.86। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारा आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है फॉर ए बैलेंस 3-phase सर्किट 2 wattmeters आर कनेक्टेड टू मेजर द इनपुट पावर, द रीडिंग ऑफ 2 wattmeter इज 200 W एंड 535.98 W रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, और आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू किस चीज़ का, पावर फैक्टर की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए आपने पावर फैक्टर का फॉर्मूला जरूर रटा होगा, टेन फाइव इज इक्वल टू आपने लिखा होगा √3 इंटू W1 - W2 डिवाइडेड बाई W1 + W2। अगर ये करके अगर आप सॉल्व करने वाले हैं तो आपका आंसर बहुत ही गंदा आने वाला है और बहुत ही दिक्कत होने वाली है आपको सॉल्व करने में, चूंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो कुछ प्रॉपर्टीज आप, आई होप आपने कभी पढ़ा होगा 2 wattmeter मेथड्स। ठीक है ना, फिर भी जब मैं डिटेल में इसको कराऊंगा तो मैं और भी बहुत अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर पावर फैक्टर लोड पावर फैक्टर एंगल की वैल्यू 60 degrees से ज़्यादा हो, या फिर पावर फैक्टर यानी कि लोड पावर फैक्टर की वैल्यू cos phi की वैल्यू less than 0.5 हो,
एक वाट मीटर जो होता है वो निगेटिव रीडिंग देता है, एक वाट मीटर पॉजिटिव रीडिंग देगा और दूसरा वाट मीटर जो है वो कैसा रीडिंग देगा, निगेटिव रीडिंग देगा। कब? जब लोड पावर फैक्टर एंगल 60 डिग्री से ज्यादा हो या फिर पावर फैक्टर की वैल्यू 0.5 से कम हो। अब क्वेश्चन देखिए आप, और ऑप्शन कैसे फ्रेम किया गया दोनों चीज देखिए। ये भी एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, बट बहुत ही कम टाइम में सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्मूला लगाया तो आपका जो एग्जाम है बहुत ही खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाला है। या तो आप इसको आगे इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, या फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप 30 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों वाट मीटर की जो रीडिंग है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो पावर फैक्टर तो 0.5 से छोटा हो ही नहीं, पावर फैक्टर जो है वो हमेशा 0.5 से बड़ा होगा, छोटा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों की रीडिंग क्या है, पॉजिटिव है। अगर दोनों एक की रीडिंग नेगेटिव होती तो हम बोल सकते थे कि पावर फैक्टर की वैल्यू 0.5 से छोटी होगी। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पावर फैक्टर 1, तो 0.5 से तो बड़ा है ये, तो यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता था। बट हमें पता है कि पावर फैक्टर 1 तभी आता है जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग इक्वल होती है, बट यहाँ पे दोनों वाट मीटर की रीडिंग अलग अलग है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी जो है वो 0.34 है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी आंसर आने वाला है वो 0.5 से ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि दोनों वाट मीटर पॉजिटिव रीडिंग्स दे रहे हैं। अगर एक वाट मीटर भी निगेटिव रीडिंग देता तो हम मान लेते कि 0.5 से नीचे आपका आंसर आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि दोनों वाट मीटर पॉजिटिव रीडिंग दे रहे हैं। ये भी नहीं हो सकता, ये भी 0.5 से छोटा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, 0.7। ये आंसर मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है, ब्रिज जो है वो बैलेंस है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड फोर द ब्रिज विल बी बैलेंस। जेड फोर के किस वैल्यू के लिए ब्रिज जो होगा वो बैलेंस होगा। अब यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, सिंपली क्या दिया हुआ है डेटा, Z1 की वैल्यू दी हुई है 50 एट एंगल ऑफ 10 डिग्री, Z2 इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 10 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री, Z3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 150 एट एंगल ऑफ माइनस 10 डिग्री, और आपसे Z4 पूछा जा रहा है। तो ये है Z1 और ये है Z4, अपोजिट आर्म्स के मल्टीप्लिकेशन क्या होने चाहिए, इक्वल होने के मल्टीप्लिकेशन इक्वल होने चाहिए, अपोजिट आर्म्स के मल्टीप्लिकेशन इक्वल होंगे, यानी Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3 होना चाहिए। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3 बाई Z1, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा Z2 है, Z2 है 10 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री, Z3 है 150 एट एंगल ऑफ माइनस 10 डिग्री, और Z1 जो है वो है 50 एट एंगल ऑफ 10 डिग्री। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, और यहाँ पे आने वाला है आपका आंसर कितना, 30। और एंगल की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में एंगल ऐड हो जाता है, ठीक है ना, और डिवीजन में एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 0 माइनस 10 माइनस 10, और ये जो डिवीजन में है एंगल ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी 30 एट एंगल ऑफ माइनस 20 आपका आंसर होगा। अब मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, यानी कि ब्रिज को बैलेंस करने के लिए क्या कंडीशन निकल के आ रहा है कि मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट आर्म्स के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे एक और कंडीशन हम बोल सकते हैं ना, θ1 + θ4 इज इक्वल टू θ2 + θ3, उतना मल्टीप्लाई डिवाइड करने की क्या जरूरत है, एंगल को सिंपली ऐड कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे θ4 के अगर हम लोग फाइंड कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब θ2 θ3 कितना दिया हुआ था देख लेते हैं, θ2 जो है वो है 0 डिग्री और θ3 जो है वो -10 डिग्री है। θ2 है 0 डिग्री और θ3 है -10 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा -θ1, और θ1 की जो वैल्यू है वो है 10 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे भी रख दीजिए कितना 10 डिग्री, यानी θ4 का जो आंसर होगा वो -20 डिग्री होगा, और -20 डिग्री सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी में है, हमारा आंसर आ जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे, पूरा एग्जैक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर एंगल सेम दिया है अगर दो ऑप्शन में तभी आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, अदरवाइज पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। राजकुमार बोल रहे हैं पोलर फॉर्म में है सर, ठीक है, पोलर फॉर्म में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, लिमिटिंग एरर का ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, द लिमिटिंग एरर्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर कंज्यूम बाय एंड द करंट पासिंग थ्रू अ रेसिस्टेंस आर। तो लिमिटिंग एरर दिया हुआ है पावर का, पावर का लिमिटिंग एरर दिया हुआ है प्लस माइनस 1.5%, और करंट पासिंग थ्रू अ रेसिस्टेंस, करंट का भी दिया हुआ है लिमिटिंग एरर प्लस माइनस 1%। आपसे पूछा जा रहा है द लिमिटिंग एरर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस विल बी। अब बताइए, पावर इज इक्वल टू, आपको पता है करंट का स्क्वायर इनटू रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा पावर बाई आई स्क्वायर। अब आपको एक रूल पता होना चाहिए, अगर आपका एरर परसेंटेज में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, परसेंटेज में अगर एरर दिया हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में, शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, पूरा एग्जैक्टली सॉल्व कीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के टाइम में आपका एरर हमेशा ऐड होगा। बट एरर किस फॉर्म में होना चाहिए, एरर होना चाहिए परसेंटेज के फॉर्म में। अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में है, फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस 0.5 दिया हुआ है, तो आप ऐड नहीं कर सकते, या प्लस माइनस 0.2 दिया हुआ है, एब्सोल्यूट फॉर्म में दिया हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आप 0.7 नहीं बोल सकते आंसर। हाँ, यही अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, ये एरर अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन हो या फिर डिवीजन हो, हमेशा एरर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। बट और यही रूल अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी हमेशा एरर क्या होगा, ऐड होगा, बट वहां पे एरर एब्सोल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ गलत नहीं होना चाहिए आपका कि एरर किस फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो डिवीजन वाला काम करना है, बट एक चीज़ और है, पॉलिनोमियल वाला भी रूल आपको पता होना चाहिए कि अगर पावर है, फॉर एग्जांपल करंट है 2%, एक एग्जांपल लेता हूँ, करंट दिया हुआ है प्लस माइनस 2%, और करंट के स्क्वायर का एरर क्या होगा, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 × 2, अगर 3 होता तो 3 × 2 हो जाता, जितना भी पावर होगा वो पावर एरर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पावर का एरर दिया हुआ है 1.5, ठीक है ना, और करंट का एरर दिया हुआ है 1%, बट उसका स्क्वायर है, तो 2 × ± 1% हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल जो होने वाला है वो प्लस माइनस 1% डिवाइडेड बाई प्लस माइनस 2%। और मैंने अभी आपको बताया कि एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, मल्टीप्लिकेशन में हो या फिर डिवीजन में हो। तो यहाँ पे आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है 3.5%, प्लस माइनस 3.5% आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, 2 मीटर एक्स एंड वाई रिक्वायर्ड 40 mA एंड 50 mA रिस्पेक्टिवली फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, देन एक्स इज मोर सेंसिटिव, वाई इज मोर सेंसिटिव, बोथ आर इक्वली सेंसिटिव, नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन डेटा। देखिए, सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/IFSD। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कम होगा उसका सेंसिटिविटी क्या होगा, हाई होगा, यानी एक्स इज मोर सेंसिटिव होगा, क्योंकि एक्स की जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 40 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, एक्स इज मोर सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है, अ वेव फॉर्म शोन इन द फिगर अबव इज फेड टू डीसी एमीटर, व्हाट इज द रीडिंग शोन बाय द मीटर। रीडिंग शोन बाय द मीटर क्या होगा, तो कौन सा मीटर है, डीसी मीटर है, तो डीसी मीटर हमेशा क्या करने वाला है, डीसी मीटर हमेशा एवरेज वैल्यू मेजर करेगा, क्या मेजर करेगा, एवरेज वैल्यू मेजर करेगा। तो एवरेज कैसे निकालेंगे इस ग्राफ का, देखिए ग्राफ कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, 2 सेकंड के बाद, देखिए यहाँ तक आया फिर रिपीट हुआ, फिर 2 से 4 तक गया फिर रिपीट हुआ, सेम ही चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 2, ठीक है। और एरिया निकाल लेते हैं, हमें बताया होना चाहिए एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू होता है एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाय टाइम पीरियड, एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका है एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाय टाइम पीरियड, और एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा 100 mA इंटू
ये आपका हाइट हो गया, और ब्रेथ कितना है इसका, इसका है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 50 मिली एम्पियर, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है राजन कुमार, 23 का आंसर ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ कैन अ मिलीमीटर बी यूज्ड एज ए वोल्ट मीटर, मिली एम मीटर को हम लोग कैसे एज ए वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए एक हाई रेसिस्टेंस लगाना पड़ता है सीरीज में, इंस्ट्रूमेंट के साथ सीरीज में हाई रेसिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन कौन सी होने वाला है, बाई कनेक्टिंग हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज विद द इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द एक्स एंड वाई इनपुट्स ऑफ ए सीआरओ आर रिस्पेक्टिवली वी साइन ओमेगा टी एंड माइनस वी साइन ओमेगा टी, द रिजल्टिंग लिसाजस पैटर्न विल बी, तो लिसाजस पैटर्न के बारे में जो बेसिक्स मैंने बताए हुए हैं वो मैंने बताया है कि देखिए अगर दो इनपुट्स के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है या फिर उनके बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है तो जो लिसाजस पैटर्न बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन। अगर फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो स्क्रीन के ऊपर जो आपका लाइन आएगा उसका होगा पॉजिटिव स्लोप, ठीक है ना, ऐसा कुछ, ठीक है ना। अगर ये मैं बोलूँ ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो जो लाइन बनने वाला है ऐसा कुछ बनने वाला है। बट वही अगर फेज डिफरेंस दो सिग्नल्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और वर्टिकल प्लेट्स होते हैं उनके बीच का एंगल जो वहाँ जो सिग्नल जो आप दे रहे हैं उन सिग्नल के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा बट वो निगेटिव स्लोप के साथ बनेगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 135 डिग्री एंगल बना रहा होगा, और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, 45 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है ना। जो फिगर होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा है कि एक एक्स पे जो दिया गया वो वी साइन ओमेगा टी है और जो वाई पे इनपुट दिया गया वो माइनस वी साइन ओमेगा टी है, यानी कि 180 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है दोनों इनपुट सिग्नल पे, यानी कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। तो इसको आप लोग नोट में कवर कर लीजिए कि अगर दो सिग्नल्स के बीच का फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो तो हमेशा लिसाजस पैटर्न जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वन साइकिल ऑफ ए स्क्वायर वेव सिग्नल ऑब्जर्व्ड ऑन एन ऑसिलोस्कोप इज फाउंड टू ऑक्यूपाई 6 सेंटीमीटर एट ए स्केल सेटिंग ऑफ 30 माइक्रोसेकेंड पर सेंटीमीटर, व्हाट इज द सिग्नल फ्रीक्वेंसी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ऑसिलोस्कोप है वो कितना ले रहा है भाई, 6 सेंटीमीटर, उसका वन साइकिल 6 सेंटीमीटर ले रहा है और एक सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो है 30 माइक्रोसेकेंड। तो ओवरऑल जो वो टाइम ले रहा है, अगर हम टाइम की बात करें उसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इंटू 30 माइक्रोसेकेंड पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 180 माइक्रोसेकेंड। तो 180 अगर माइक्रोसेकेंड है तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टाइम पीरियड, यानी 1 बाई 180 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 5.55 किलो हर्ट्स, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, वोल्ट बॉक्स इज बेसिकली अ डिवाइस यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज एंड एक्सटेंडिंग द वोल्टेज रेंज ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 29, इस क्वेश्चन में आज पूछा जा रहा है, देखिए इस तरह क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए जो टाइम टेकन है तो जब आपका एग्जाम का नेचर अगर अलाउ कर रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के तभी आप सॉल्व करें, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए हमें एग्जाम में। मैं अपने टेस्ट सीरीज में जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन डालता हूँ 2-4 जिससे आपका टाइम खराब हो, और हर एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं जिससे आपका टाइम क्या हो, खराब हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ साफ साफ दिया हुआ है Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू, Z3 की वैल्यू, Z4 पूछा जा रहा है। अब क्या है कि कुछ लड़के रट लेते हैं कि ये Z1 होता है ये Z4 होता है, ठीक है ना। अब डायग्राम भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3 बोल दिए, देखिए अब फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है,
यहाँ वन है, यहाँ थ्री है, तो जो एग्जैक्टली डायग्राम में उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ दिया हुआ है जेड वन जेड थ्री मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जेड टू जेड फोर, चूंकि ब्रिज को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, तो जेड टू जेड फोर आएगा यहाँ पर, चूंकि अपोजिट डायरेक्शंस के मल्टीप्लीकेशन, अपोजिट ब्रांच के इंपेडेंस का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होना चाहिए। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है जेड फोर, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो जेड फोर इज इक्वल टू क्या आने वाला है, जेड वन जेड थ्री बाय जेड टू, और जेड वन कितना है, जेड वन है 450, जेड थ्री कितना है 200 प्लस जे ऑफ 100 डिवाइडेड बाय जेड टू कितना है 300 माइनस जे ऑफ 600। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आप सीखिए, बाकी तो आपको आता ही है। देखिए ऊपर से दो जीरो आएगा, यहाँ से 100 कॉमन आएगा न्यूमरेटर से, नीचे से भी 100 कॉमन आने वाला है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे से हम 3 भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। यानी एक तरह से मैं बोल रहा हूँ मैं कि नीचे से 300 कॉमन ले रहा हूँ और ऊपर से 100 कॉमन ले रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बचने वाला है, ये हो जाएगा 450, ऊपर आएगा 2 प्लस जे 1, नीचे आएगा कितना 3 इंटू 1 माइनस जे 2, और इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 150। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करें हम, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, हमको क्या करना पड़ेगा सिंपली, अच्छा इसको हम लोग एक और तरीके से देख सकते हैं, बट आप एग्जैक्टली नहीं बता पाइएगा कि आंसर क्या है, इसलिए आप पूरा सॉल्व करिए, ठीक है। देख लीजिए 150 इंटू 2 प्लस जे 1, इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस जे 2 से, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस जे 2 इंटू 1 प्लस जे 2 लिख सकते हैं, नीचे जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमेटर में क्या आने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 1 है, बी स्क्वायर जे 2, जे 2 यहाँ पे b है, तो जे 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और जे का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी नीचे आने वाला है प्लस 4। यहाँ पे 150 पहले से है, इसको सॉल्व कीजिए 2 इंटू 1 2, 2 प्लस जे 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा जे 4, और फिर J1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए ये हो जाएगा J1, और J1 को J2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ हो जाएगा J1 को J2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ क्या बचा 150, ठीक है एक मिनट, यहाँ पे क्या बच रहा है 150, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा जे 5, और नीचे कितना है 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचेगा प्लस जे 150, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ब्रिजेस सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ अननोन इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ नोन कैपेसिटेंस, नोन कैपेसिटेंस के टर्म्स में हम लोग मैक्सवेल और हेज से क्या करते हैं मेजर करते हैं। सेरिंज आ गया तो यानी कि ये तो हो गया क्या कैपेसिटेंस को मेजर करने का, यहाँ पे भी हेज है बट सेरिंज है कैपेसिटेंस मेजर करेगा, यहाँ पे शेयरिंग ब्रिज है ये भी कैपेसिटेंस मेजर करेगा, तो ये सारे ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। मैक्सवेल करता है, हेज भी है, बट यहाँ पे शेयरिंग आ गया इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ मैक्सवेल है, हेज है, ये जो है क्या है ये इंडक्टेंस मेजर करते हैं, अननोन इंडक्टेंस मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है ना। बट अब डिसौती है, हेज है, ये जो है सॉरी डिसौती और शेयरिंग ब्रिज है ये क्या करते हैं कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। और विंस ब्रिज जो है वो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में द वीट स्टोन ब्रिज मेथड ऑफ रेसिस्टेंस मेजर्ड इज आइडियली सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए वीट स्टोन ब्रिज जो है ना वो मीडियम रेंज रेसिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, और मीडियम रेंज रेसिस्टेंस का जो रेंज होता है मीडियम रेसिस्टेंस का वो होता है ग्रेटर देन 1 ओम एंड लेस देन 100 किलो ओम। तो ग्रेटर देन 1 ओम में तो कौन आने वाला, ये तो आने वाला है नहीं, ये भी नहीं आने वाला, ये दोनों आ सकते हैं बट ये कहां तक जा रहा है 10 मेगा ओम तक जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। आपको थ्योरी देखना पड़ेगा डिटेल में तभी आप क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं। चलिए ये क्या आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है,
एंडरसन ब्रिज, दूसरा है केल्विन डबल ब्रिज, तीसरा है सेरिंज ब्रिज और चौथा है विंस ब्रिज। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। विंस ब्रिज हो गया फ्रीक्वेंसी यानी डी का हो जाएगा वन, सेरिंज ब्रिज हो जाएगा कैपेसिटेंस यानी कि सी का हो जाएगा कैपेसिटेंस यानी कि फोर, ठीक है ना। केल्विन डबल ब्रिज स्मॉल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं यानी कि बी हो जाएगा टू, इतना काफी है चेक करने के लिए। बी टू सी फोर कहाँ पर है, बी टू देखिए बी टू सी फोर यहाँ आ गया, डी वन ये भी हो गया, चलिए ठीक है हमारा ऑप्शन बी होगा। इस तरह से चेक करते हैं, जब भी मैच दी फॉलोइंग आता है तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी दो को भी चेक कर लीजिए, अगर वो भी मैच कर जाए तब भी आप एंटर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेसिस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ट सुटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लो रेसिस्टेंस। लो रेसिस्टेंस के लिए फोर टर्मिनल डिवाइसेस चाहिए होता है, मीडियम के लिए दो और हाई रेसिस्टेंस के लिए तीन टर्मिनल्स चाहिए होता है गार्ड रिंग। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये आपका मीडियम रेसिस्टेंस का सिम्बॉल है, ये आपका हाई रेसिस्टेंस का सिम्बॉल है और ये है आपका लो रेसिस्टेंस का सिम्बॉल है। फोर टर्मिनल्स यहाँ पे होते हैं लो रेसिस्टेंस के मेजरमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है द कैपेसिटेंस एंड लॉस एंगल ऑफ ए कैपेसिटर कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड। लॉस एंगल अगर आपको मेजर करना है या फिर कैपेसिटेंस मेजर करना है, यानी कि लॉस एंगल जैसे बोलते हैं इसने, यानी कि प्रैक्टिकल कैपेसिटेंस मेजर करना है, तो यहाँ पर जो मेथड यूज होगा वो होगा सेरिंज ब्रिज। सेरिंज ब्रिज हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। और डिसौती ब्रिज हम लोग यूज करते हैं आइडियल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए, वहां पे जो लॉसेस वगैरह है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्परफेक्ट कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपेसिटेंस सी इन पैरेलल विद अ रेसिस्टेंस, यानी कि एक रेसिस्टेंस है आर, उसके साथ पैरेलल में एक कैपेसिटेंस को दिखाया गया है। आपसे पूछा जा रहा है डिसिपेशन फैक्टर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए डिसिपेशन फैक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वालिटी फैक्टर के। अब यहाँ पे ये डायग्राम बना के दे दिया है कि ये पैरेलल आरसी सर्किट है, तो आपको पता होना चाहिए सर्किट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरेलल आरसी सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो होता है ओमेगा सीआर। क्या होता है, अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में हम लोग लिखते हैं एक्ससी बाई आर, तो एक्स सी हो जाता है वन इंटू वन बाई ओमेगा सी इंटू आर। तो अगर हम लोग पैरेलल में बात करेंगे तो वो हो जाता है ओमेगा सी इंटू आर। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है डिसिपेशन फैक्टर। तो डिसिपेशन फैक्टर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्वालिटी फैक्टर के। तो क्वालिटी फैक्टर क्या आ रहा है, ओमेगा सी आर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा डिसिपेशन फैक्टर आएगा वो आएगा वन बाई ओमेगा सी आर, यानी हमारा आंसर आने वाला है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉस ऑफ चार्ज मेथड। लॉस ऑफ चार्ज मेथड से हम लोग हाई रेसिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, अ कंपनसेटेड वाट मीटर हैज इट्स रीडिंग करेक्टेड फॉर एरर ड्यू टू। जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं, तो वो किसके वजह, कहाँ पे एरर हो रहा था, पावर कंज्यूम्ड इन पोटेंशियल क्वाइल, पावर कंज्यूम्ड इन पोटेंशियल क्वाइल की वजह से हम लोग देखिए एक्चुअली क्या है कि उसे मेजर करना था, वहाँ जो करंट क्वाइल था उसको मेजर करना चाहिए था सिर्फ लोड के करंट को, बट वो वोल्ट मीटर के करंट को भी क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। इसलिए वोल्ट मीटर के वजह प्रेशर क्वाइल की वजह से जो है हमारा एरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपेंद्र सिंह भी लाइव हैं, राजन कुमार लाइव हैं, ठीक है। आज तो हमारा लाइव का पहला दिन है, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि हम लाइव आने वाले हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट डे से, कल से मे भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ेंगे, ठीक है ना, सबको मैं अपने ग्रुप में भी अभी सबको मैसेज कर दूंगा। आज थोड़ा टेस्टिंग टाइप का था, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम मैं लाइव जा रहा हूँ, कैसा जाता है, नेट चल रहा है उस अकॉर्डिंग की नहीं, ये सारी चीज़ भी मुझे टेस्ट करनी थी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाइल मेजरिंग पावर इन ए थ्री फेज लोड बाय टू वाट मीटर मेथड द रीडिंग ऑफ टू वाट मीटर विल बी इक्वल एंड अपोजिट व्हेन। तो देखिए इसके लिए मैंने टेबल भी मैं बनवाता हूँ, बट मैं बोलता हूँ बच्चों को कि ये फॉर्मूला याद रखिए, डब्ल्यू वन इज इक्वल टू वी एल आई एल कॉस ऑफ 30 माइनस 5 और W2 इज इक्वल टू वी एल आई एल
कॉस ऑफ 30 प्लस 5, ये दो फॉर्मूला आप क्या करिए, याद रखिए। आप सारे जब भी ऐसा होता है ना क्वेश्चन कि एक का नेगेटिव आया, एक का पॉजिटिव आया, एक 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 वाट मीटर की रीडिंग दूसरे वाट मीटर की रीडिंग का डबल है, एक का रीडिंग पॉजिटिव है, एक का रीडिंग जीरो है, एक का रीडिंग पॉजिटिव है, दूसरे का रीडिंग निगेटिव है, ठीक है ना। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसके लिए ये दो फॉर्मूला काफ़ी है, या फिर ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, टेन फाई इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डिवाइड बाय डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, और सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है हमेशा वाट मीटर के रीडिंग से अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, द टू वर्ड विल बी इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, आप खुद दिमाग लगाइए, इक्वल एंड अपोजिट होना है। इक्वल एंड अपोजिट होने के लिए यानी कि एक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, दूसरे का वैल्यू निगेटिव होगा, और दोनों क्या होंगे, इक्वल हैं वैल्यूज में और अपोजिट भी हैं, यानी कि ओवरऑल जो रीडिंग आने वाला है W का वो तो W1 प्लस W2 होता है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं और एक दूसरे का अपोजिट हैं। तो अगर एक W1 है तो दूसरा जो है वो माइनस W1 है, तो ओवरऑल जो वाट मीटर की रीडिंग हो जाएगी वो तो जीरो हो जाएगी। और वाट मीटर जो है वो एक्टिव पावर मेजर करता है, अगर एक्टिव पावर की वैल्यू जीरो है तो ये किस पावर फैक्टर के लिए हो सकता है, ये हो सकता है 90 डिग्री पावर फैक्टर एंगल के लिए, यानी कि जीरो पावर फैक्टर के लिए हो सकता है, यानी कि प्योरली इंडक्टिव लोड के केस में ही ये चीज पॉसिबल है कि इक्वल भी हो और अपोजिट भी हो। इसी चीज को हम लोग फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, अगर इस फाइव की जगह पर अगर हम 90 डिग्री पुट कर दें तो 30 माइनस फाइव यानी कि माइनस 60 आएगा, कॉस माइनस 60 इज कॉस 60, तो यहाँ बनने वाला है कॉस 60। यहाँ अगर हम लोग 30 डिग्री पुट कर दें तो 90 प्लस 30 120 डिग्री, 120 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री, ठीक है ना। बट उसका साइन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आने वाला है कॉस ऑफ, अगर यहाँ फाइव की जगह पर 90 डिग्री पुट करें तो ये हो जाएगा कॉस 120 डिग्री, और कॉस 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 60, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस साइन आएगा, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि दोनों की जो वैल्यू आ रही है phi इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए, phi इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए, कैसे फॉर्मूला को डील करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, VL IL cos 60 यहां आ रहा है और यहां आ रहा है W2 इज इक्वल टू आ रहा है VL IL माइनस बाहर आ जाएगा cos 60 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कब पॉसिबल है, ये 90 डिग्री पे ही पॉसिबल है, या फिर दूसरा लॉजिक जो मैंने आपको बताया कि इक्वल भी है और अपोजिट भी है, तो दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा जीरो, अगर वाट मीटर का रीडिंग ही दोनों का मिलाकर जीरो हो रहा है तो वो जीरो एक्टिव पावर रीड करेगा। जीरो एक्टिव पावर किस सर्किट में होता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जीरो एक्टिव पावर होगा, वाट मीटर का दोनों के रीडिंग को अगर हम ऐड करें तो हमें जीरो मिल रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये पॉसिबल है 90 डिग्री लोड पावर फैक्टर एंगल पे और प्योरली इंडक्टिव लोड पे या फिर जीरो पावर फैक्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टू वाट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट वन ऑफ द वाट मीटर विल शो नेगेटिव रीडिंग व्हेन द लोड ऑफ पावर फैक्टर एंगल इज स्ट्रिक्टली, कि ये पूछा जा रहा है कि अगर अगर एक वाट मीटर जो है वो नेगेटिव रीडिंग शो कर रहा है तो पावर फैक्टर एंगल क्या होना चाहिए, तो पावर फैक्टर एंगल 60 डिग्री से बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए W1 इज इक्वल टू क्या था, VL IL cos ऑफ 30 माइनस 5, और W2 जो है वो है VL IL cos ऑफ 30 प्लस 5। अब देखिए अगर हम फाई के जगह पे 60 डिग्री रख दें तो ये W2 की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो। क्यों, 30 प्लस 60 90, कॉस 90 होता है जीरो, यानी W2 हो जाएगा जीरो। अब अगर हम 60 डिग्री से थोड़ा सा ही बड़ा रखें, अगर मैं रख दूं 61 डिग्री, तो 61 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 91, और कॉस 91 नेगेटिव वैल्यू आएगी, बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू आएगी चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। कॉस 90 जीरो से लेके अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन कॉस टेन हर वैल्यू पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आ गया ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, तो इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव रीडिंग हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होने वाला है डी, अगर एक वाट मीटर का रीडिंग नेगेटिव है, पक्का है कि लोड पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री से ज्यादा होगा, और ये भी पक्का है कि पावर फैक्टर की वैल्यू 0.5 से कम होगी, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है इस बात को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, इन ए सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर द कंट्रोलिंग टॉर्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पावर फैक्टर मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस फैक्ट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इन द प्रेशर कॉइल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ ए डायनेमो मीटर टाइप वाट मीटर। देखिए जनरली हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं, देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, आप पहले देख लीजिए, डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर में जो हम लोग करंट कॉइल बनाते हैं वो हाईली इंडक्टिव होता है, और जो प्रेशर कॉइल हम लोग बनाते हैं वो हाईली रेसिस्टिव होता है, हाईली रेसिस्टिव होता है, ठीक है ना। यानी कि उसमें जो इंडक्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होती है, रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। बट अगर इंडक्टेंस की वैल्यू को अगर हम लोग कंसिडर करें, तो इंडक्टेंस की वैल्यू को अगर हम कंसिडर करेंगे तो होगा क्या कि लैगिंग लोड के लिए, लैगिंग लोड के लिए मैं बाबू डिटेल में ये सारे चीज़ मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना, बट अभी के लिए थोड़ा शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूँ। लैगिंग लोड के लिए जो मेजर्ड वैल्यू होता है वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होता है, और लीडिंग लोड के लिए, लीडिंग लोड के लिए मेजर्ड वैल्यू जो आएगा वो ट्रू वैल्यू से कम आएगा ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस, ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस, और प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस पे से जो एरर आ रहा है उस एरर को हम लोग कम कंपनसेट करते हैं, ख़त्म करते हैं बाय यूजिंग अ कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 0.41 एलपी बाय आरपी स्क्वायर, ठीक है ना। इतने वैल्यू का अगर हम लोग कैपेसिटेंस लगा दें तो एरर ड्यू टू इंडक्ट, एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस क्या हो जाता है, इलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे फुल कोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, द करेंट एंड पोटेंशियल कॉइल ऑफ ए डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर वेयर एक्सीडेंटली इंटरचेंज वाइल कनेक्टिंग आफ्टर वाइल कनेक्टिंग आफ्टर इनर्जाइजिंग द सर्किट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट वाट मीटर डिड नॉट शो द रीडिंग। कहा जा रहा है कि करंट कॉइल के जगह पे पोटेंशियल कॉइल लगा दिया गया है और पोटेंशियल कॉइल के जगह पे करंट कॉइल लगा दिया गया हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम सप्लाई दे रहे हैं, इनर्जाइज कर रहे हैं, तो एमीटर जो वाट मीटर वो कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा, तो इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण हो सकता है कि पोटेंशियल कॉइल डैमेज हो गया है, पहला ऑप्शन, दूसरा डैमेज टू करंट कॉइल, तीसरा डैमेज टू बोथ द पोटेंशियल एंड करंट कॉइल, और चौथा लूज कॉन्टैक्ट्स। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए होता क्या है कि जो करंट कॉइल है उसमें बहुत ही लेस नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह हम लोग दे रहे होते हैं, उसके करंट कैरिंग उस वो उतना हेवी वोल्टेज, अगर मैं बोलूं कि जनरली जो आपका कनेक्शन होता है करंट कॉइल इधर लगा होता है, यहाँ पे लोड होता है, ठीक है, और प्रेशर कॉइल कहाँ होता है, प्रेशर कॉइल यहाँ लगा हुआ होता है, ठीक है, प्रेशर कॉइल इस तरीके से लगा हुआ होता है सप्लाई के क्रॉस, ठीक है ना, जनरल कनेक्शन ये है। बट अब हम क्या करें कि करंट कॉइल को उठाकर अगर यहाँ लगा देंगे, या फिर आप ऐसे समझिए ना, आप इस पोटेंशियल कॉइल को आप वोल्ट मीटर की तरह समझिए और करंट कॉइल को आप एमीटर की तरह समझिए, तो होगा क्या कि अगर आप सप्लाई के क्रॉस अगर एमीटर पैरेलल में लगा देंगे तो एमीटर जल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, उतना हैवी वोल्टेज वो नहीं ले सकता है, वो करंट ले सकता है हैवी करंट बट उतना हैवी वोल्टेज नहीं ले सकता है, ठीक है ना। उतना हैवी वोल्टेज उसके क्रॉस अगर आएगा पैरेलल में शंट में तो सारा का सारा करंट वहीं से फ्लो करेगा और वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डैमेज होने वाला है वो क्या होने वाला है, करंट कॉइल डैमेज होने वाला है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, इन टू वाट मीटर मेथड ऑफ ए मेजरिंग पावर इन ए बैलेंस थ्री फेज सर्किट द रीडिंग ऑफ द टू वाट मीटर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 द पावर फैक्टर इज। तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास है टेन फाई इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डिवाइड बाई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो बोला जा रहा है 1:2 रेशियो में है, तो 1:2 रेशियो में तो मान लेते हैं डब्ल्यू वन की वैल्यू 2 है, तो डब्ल्यू टू की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 2+1 कर लीजिए। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट 3/3 आएगा, यानी कि 1/√3 आएगा, यानी कि फाई का जो वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है 30 डिग्री, यानी कि कॉस 30 का वैल्यू आने वाला है √3/2, √3/2 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इन ए सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर द लैग एडजस्टमेंट इज डन टू इंश्योर। हम लोग लैग एडजस्टमेंट यूज करते हैं, कॉपर शेडिंग बैंड यूज करते हैं, किस लिए कि जो प्रेशर कॉइल का जो फ्लक्स है वो लैग करे सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से, ठीक है ना, जिससे हमारा एरर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रेशर कॉइल फ्लक्स को सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करने के लिए हम लोग कॉपर शेडिंग बैंड यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लैग एडजस्टमेंट, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। द वोल्टेज कॉइल ऑफ ए सिंगल फेज हाउस सर्विस एनर्जी मीटर। देखिए आप जब वाट मीटर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे जो वोल्टेज कॉइल होता है वो हाईली रेसिस्टिव होता है, बट एनर्जी मीटर में जो वोल्टेज कॉइल होता है वो हाईली इंडक्टिव होता है, ठीक है ना। हम तो इवन हम चाहते हैं प्योरली इंडक्टिव, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं फेज लैग एडजस्टमेंट यूज़ करते हैं, यानी कॉपर शेडिंग बैंड यूज़ करते हैं 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट पाने के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे पूछा बोला जा रहा है सिंगल फेज हाउस सर्विस एनर्जी मीटर, यानी कि एनर्जी मीटर की बात हो रही है, तो हाईली इंडक्टिव यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है डीसी वोल्ट मीटर हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ 1000 ओम पर वोल्ट व्हेन इट मेजर्स अ हाफ फुल स्केल इन 100 वोल्ट रेंज द करंट थ्रू द वोल्ट मीटर विल बी। अब देखिए अगर हम यहाँ पर सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखें वो होता है एस वी इज इक्वल टू 1/ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/ एस वी, ठीक है ना, 1/ एस वी हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एस वी की वैल्यू दी हुई है 1000 ओम पर वोल्ट, तो ये पर वोल्ट वोल्ट कहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो वोल्ट बाई ओम क्या होता है करंट होता है, यानी कि ये ओवरऑल क्या आने वाला है सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आएगा 1 मिली एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 1 मिली एम्पियर भी है, जल्दी से इसको आंसर नहीं मार देना, ये आपका आंसर नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, मीजर हाफ फुल स्केल इन 100 वोल्ट रेंज, हाफ फुल स्केल। तो अगर फुल स्केल वैल्यू जो है 1 मिली एम्पियर है तो हाफ फुल स्केल वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है डीसी वोल्ट मीटर है, डीसी वोल्ट मीटर का स्केल क्या होता है लीनियर होता है। अगर फुल स्केल वैल्यू के लिए करंट चाहिए 100 मिली एम्पियर तो हाफ स्केल वैल्यू के लिए करंट चाहिए होगा 0.5 मिली एम्पियर। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। राजन कुमार हैं ये पूछ रहे हैं मुसल्लापुर हाट में टेस्ट होता है क्या सर। देखिए हम लोग जो है ना हमारा अपना ऐप है सक्सेस टेक्निकल कैंपस का, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 मार्च से वहाँ पे टेस्ट सीरीज हम लोग डालेंगे, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप उस पर या फिर आप, मैं एक नंबर दे दूंगा आपको, उस नंबर पे भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 1 मार्च से टेस्ट सीरीज हमारा स्टार्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। हफ्ते में 3 टेस्ट आपको दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन टेक्निकल और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल उसमें होगा। जो आप किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं पर जाके आप जो टेस्ट सीरीज मारते हैं वही टेस्ट सीरीज आप घर पर बैठ के ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से भी कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, घर से बैठ के आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो कोचिंग सेंटर है ये है कुर्जी में, और मुसल्लापुर में हमारा कोई सेंटर नहीं है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, जो सेट होता है ना वैसा ही सेट होगा, और हफ्ते में 3 सेट आपको दिया जाएगा, और सारे सेट्स के ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन, जैसे अभी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है वैसे ही वीडियो सॉल्यूशंस आपको सारे सेट्स के मिलेंगे टेक्निकल पोर्शन के। नॉन टेक्निकल पोर्शन के सॉल्यूशन जो है वो क्वेश्चन के साथ ही होगा, वहां पर ऐप में ही होगा, बट अलग से वीडियो सॉल्यूशन हम लोग टेक्निकल का प्रोवाइड करने वाले हैं। 1 मार्च से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। फी वगैरह एकदम नॉमिनल फी, आप कहीं जाकर 200-250 रुपये जो देते हैं टेस्ट सीरीज के लिए उतना ही फी हमें रखना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग अलग से डिटेल में कहीं बात करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज अगर किसी को देना है तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है मुझसे, हमारा अपना ऐप है सक्सेस टेक्निकल कैंपस का, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वोल्ट मीटर ऑफ 0 to 300 वोल्ट रेंज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एसी सर्किट। 2 वोल्ट मीटर है उसको हमने क्या किया है एक एसी सर्किट से क्या किया है कनेक्ट किया। मान लेते हैं वोल्ट मीटर ए है, ये वोल्ट मीटर बी है, ठीक है ना। एक एसी सर्किट से क्या किया है कनेक्ट किया पैरेलल में। 1 वोल्ट मीटर इज मूविंग आयरन टाइप रीड्स 200 वोल्ट। मान लेते हैं कि ये मूविंग आयरन टाइप है, ये MI है। इफ द अदर इज PMMC इंस्ट्रूमेंट इट्स रीडिंग विल बी। तो अगर ये PMMC है, अब बताइए
एसी कनेक्ट कर दीजिएगा आप पीएमएमसी के क्रॉस, और पीएमसी क्या मेजर करता है, हमेशा एवरेज वैल्यू मेजर करता है। क्या मेजर करता है? एवरेज वैल्यू, यानी कि एसी का भी एवरेज वैल्यू मेजर करेगा और एसी का एवरेज वैल्यू क्या होगा? जीरो। तो पीएमएमसी के क्रॉस अगर आप एसी सप्लाई देंगे तो वो जीरो मेजर करेगा, ठीक है ना, जीरो वोल्ट मेजर करेगा, चाहे मीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो। मूविंग आयरन मीटर्स कैन बी यूज टू मीजर, अब इसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, देखिए बट वर्ड्स पढ़िए अच्छे से, कैन बी पूछा जा रहा है आपसे। अगर ये पूछा जाता मूविंग आयरन जनरली यूज टू मीजर तो आंसर होगा ओनली एसी, ठीक है ना। ये पब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैन बी यूज टू मीजर, कैन बी में क्या आ जाएगा, बोथ एसी एंड डीसी। मूविंग आयरन से आप दोनों मीजर कर सकते हैं, एसी और डीसी दोनों मीजर कर सकते हैं, बट क्वेश्चन ये पूछा जाता मूविंग आयरन मीटर्स आर जनरली यूज टू मीजर तो आंसर होता है एसी। मूविंग आयरन को हम लोग एसी के लिए यूज करते हैं, पीएमएमसी को हम लोग डीसी के लिए यूज करते हैं, और ईएमएमसी जो है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप मीटर है, उसको हम लोग दोनों चीज मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि आरएमएस वैल्यू बताना है आपको फिगर का, तो ये जो वैल्यू है आपका पीक वैल्यू होता है और ये साइनसोइडल वेवफॉर्म है, तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट टू। तो मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट टू, और मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 डिवाइडेड बाय रूट टू हो जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 बाय रूट टू की वैल्यू होती है 0.707, तो इनटू 40 सॉल्व कर देंगे, 4 7 28 आपको दिख रहा है, यूनिट डिजिट में 8 वगैरह होना चाहिए, 8 नहीं है 9 है, तो ये आपका आंसर होगा 28.29। पूरा एग्जैक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है या फिर डरने की जरूरत नहीं है कि डिवाइडेड बाय रूट टू है तो अब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 1 बाय रूट टू को 0.707 लिखते हैं और फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, बहुत लोग ऐसा कुछ करने लगते हैं कि चलो यहाँ रूट टू यहाँ रूट टू कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 20√2 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से लोग करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है ना, बट आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा। आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज पता होना चाहिए, आपको 1 बाय रूट टू की वैल्यू पता होना चाहिए, आपको रूट 3 बाय टू की वैल्यू पता होना चाहिए, आपको 1 बाय पाई का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारे बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉस फाई का वैल्यू 0.8 होता है तो साइन फाई का वैल्यू 0.6 होता है। आपको पता होना चाहिए कि कॉस फाई का वैल्यू अगर 0.8 होता है तो फाई का वैल्यू 36.86 होता है। ये सब स्टैंडर्ड चीज है जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ क्या दिया हुआ है, द इंडक्टेंस ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज, इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है, L की वैल्यू दी हुई है कितनी, 10 + 6 थीटा माइक्रो हेनरी। कितना दिया हुआ है, 10 + 6 थीटा माइक्रो हेनरी, वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन इन रेडियन फ्रॉम जीरो पोजीशन, एज्यूमिंग स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है केसी, यहाँ के लिखा है हम केसी मान लेते हैं चूंकि स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है ना, और ये कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है इसलिए केसी मान लिया हमने, 10 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर रेडियन। एज्यूमिंग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K is equal to 10 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर रेडियन, द डिफ्लेक्शन इन रेडियन फॉर करंट 6 एम्पियर इज, करंट दिया हुआ है कितना, 6 एम्पियर। अब हमें पता है एट स्टेडी स्टेट जो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ जो होता है MI इंस्ट्रूमेंट में वो होता है 1/2 × I² × dl/dθ। कंट्रोलिंग टॉर्क चूंकि MI इंस्ट्रूमेंट में हम लोग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट करते हैं तो ये हो जाएगा KC × θ। पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि कंट्रोलिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिफ्लेक्शन के, तो KC × θ लिख सकते हैं। अगर इक्वल टू करके लिखना है तो प्रोपोर्शनलिटी में सिर्फ लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं KC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, या फिर TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² ये लिख सकते हैं, बट अगर एग्जैक्टली लिखना है तो आपको पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहां से हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आपसे डिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, डिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 × I² × dl/dθ/KC। सॉल्व कर देंगे 1/2 × 36, चूंकि I की वैल्यू 6 दी हुई है, dl/dθ डिफ्रेंशिएशन करिए L का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है 10 + 6 थीटा, तो 10 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 और 6 थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा
6 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और इसके साथ क्या है, ये माइक्रो हेनरी में है, तो इसको हेनरी में चेंज करने के लिए 10 टू पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड बाय केसी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 10 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 36 तिरका हो जाएगा 108, 36 तिरका कितना हो जाएगा 108, और नीचे कितना है 10, तो आंसर आने वाला है 10.8 रेडियन। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 भी हमने सॉल्व कर लिया, अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिए, ठीक है ना, कमेंट करिए। हाँ राजन कुमार, आपका आंसर सही है, 50 का ए होगा आंसर, ठीक है, गुड। आप लोग इतने रात तक जगे हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपने दिया, आपका प्रैक्टिस भी हो गया। अब ये 50 क्वेश्चन का कलेक्शन इतना अच्छा है कि अगर आपने अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया तो ऐसा लगता है जैसे मैं आपने जो है मेजरमेंट को रिवाइज कर लिया है। आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला आप भूल रहे हैं। टेस्ट सीरीज देने का जो मेन जो एम होता है वो यही होता है कि हमें पता चल जाए कि हमारी वीकनेस कहाँ है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आ गए तो हमारा मेन एग्जाम में भी बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ये नहीं दिखाता टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज सिंपली ये दिखाता है कि कौन सा पोर्शन है जिसका फॉर्मूला आप भूल रहे हैं, अभी आपको याद नहीं है, क्योंकि आप हर वक्त सारे सब्जेक्ट्स के सारे कॉन्सेप्ट याद नहीं रख सकते हैं। तो किस पोर्शन को हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है, कौन सा पोर्शन हमारा वीक है, कौन सा पोर्शन हमारा स्ट्रांग है, वो एक मतलब कि आपको एक आपको आईना दिखाता टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारे सॉल्यूशंस। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए यहीं पर, ठीक है ना, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उन्हें बताइए कि सक्सेस टेक्निकल कैंपस पटना जो यूट्यूब चैनल है वो डेली रात में 10 बजे या 10 या 10 10:30 तक मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा आप लोगों को, हम लोग लाइव आएंगे डेली का डेली। ओके, थैंक यू।